अगर आप भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन मेडिकल टर्मोलॉजी की जो कि हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसमें पहला टर्म आता है ओपीडी, यानी ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है देखते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। यानी ओपीडी का मतलब होता है इसमें जो डॉक्टर्स होते हैं वो कुछ समय के लिए बैठते हैं, यानी उनका एक टाइम लिमिट होता है, 2 घंटे 4 घंटे के लिए डॉक्टर बैठते हैं और उसमें जनरल पेशेंट्स आते हैं तो उसको ओपीडी कहते हैं। नेक्स्ट है आईपीडी। आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी जो पेशेंट एडमिट रहते हैं उन्हें आईपीडी कहते हैं। इसमें पेशेंट क्या होते हैं, काफी दिनों से एडमिट रहते हैं। नेक्स्ट है आईसीयू, जो कि बहुत ही कॉमन टर्मोलॉजी है। आईसीयू का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। यानी आईसीयू में क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होते हैं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं तो उनको आईसीयू के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट आता है मिक्कू, यानी MICU, इसको हम मिक्कू भी कह सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है मेडिसिन इंटेंसिव केयर यूनिट। यानी इसमें क्या होता है, जो मेडिसिन होती हैं उनसे रिलेटेड पेशेंट को एडमिट किया जाता है। जैसे कि एडमिट होते हैं दो कंडीशन में होते हैं, एक तो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हम मेडिसिन के ऊपर ही रखते हैं, दूसरे वो होते हैं जो सर्जिकल वाले होते हैं, यानी सर्जरी के लिए एडमिट हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेडिसिन वाले पेशेंट एडमिट रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिकू, SICU, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट। यानी अभी मैंने बताया जो एक पेशेंट होते हैं सर्जरी के लिए एडमिट किए जाते हैं उनको हम सिकू कहते हैं, यानी सिकू के वार्ड में वो एडमिट रहते हैं। नेक्स्ट है निकू, NICU, जिसका मतलब होता है नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। यानी इसके अंदर क्या होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसकी केयर किया जाता है, उसको हम निकू कहते हैं। यानी जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी जहाँ केयर किया जाता है उसको हम निकू वार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पिक्कू, PICU, इसका मतलब होता है पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। इसके अंदर क्या होता है, 5 से 8 साल तक की बेबी की जहाँ केयर किया जाता है उसे कहा जाता है पिक्कू। नेक्स्ट आता है जनरल वार्ड। जनरल वार्ड जैसे कि आप जानते हैं ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, एक ऐसा वार्ड होता है जिसमें कई तरह के मरीजों को एक साथ ही रखा जाता है एक वार्ड के अंदर, उसको हम जनरल वार्ड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लेबर रूम, यानी जहाँ डिलीवरी किया जाता है बेबी का उसको हम लेबर रूम कहते हैं। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी और कैजुअलिटी। इमरजेंसी केस क्या होती है, जैसे कोई सडनली बहुत ही गहरा एक्सीडेंट हुआ हो या फिर किसी की बर्निंग का केस हो, तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको हम इमरजेंसी के अंदर रखते हैं, तो ये इमरजेंसी वार्ड होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशन थिएटर। इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, यानी जहाँ सर्जरी किया जाता हो, माइनर सर्जरी हो या फिर मेजर सर्जरी हो, जहाँ सर्जरी किया जाता है हम उसको ऑपरेशन थिएटर कहते हैं। इसको हम OT के भी नाम से जानते हैं, यानी ऑपरेशन थिएटर। नेक्स्ट आता है कैथलैब। कैथलैब का मतलब होता है जहाँ हार्ट की सर्जरी, यानी हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरियाँ होती हैं उनको हम कैथलैब कहते हैं। यानी ऐसा एक वर्ड होता है जिसके अंदर हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी की जाती है तो उसे हम कैथलैब कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर यानी ट्रॉमा का मतलब होता है गहरा चोट, यानी कोई एक ऐसा कंडीशन जिसमें बहुत ही गहरा चोट लगा हो तो उसे हम ट्रॉमा सेंटर कहते हैं। यानी चोट में या तो एक्सीडेंटली भी हो सकता है या फिर कटिंग हुई हो या फिर कोई जैसे गन फायरिंग में भी जो पेशेंट घायल होते हैं भी ट्रॉमा सेंटर में ही नॉर्मली जाते हैं, तो इस तरह के जो चोट लगने वाली जो कंडीशन केस आती हैं उनको हम ट्रॉमा सेंटर के अंदर रखते हैं। तो ये था ट्रॉमा सेंटर। नेक्स्ट है मोर्चरी वार्ड। जैसा कि आप जानते ही हैं मोर्चरी वार्ड क्या होता है, जहाँ डेड बॉडी को रखा जाता है उसे हम मोर्चरी वार्ड कहते हैं।
तो मोर्चरी वार्ड में क्या होता है, नॉर्मली डेड बॉडीज रखी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी क्या होता है, जहां पे सीटी स्कैन वगैरह, एक्सरे वगैरह ये सब होता है, तो उसको हम रेडियोलॉजी कहते हैं। यानी किसी का सर्विकल स्कैन हुआ या फिर एक्सरे होता है, तो वो कहाँ होता है, रेडियोलॉजी लैब में होता है। यानी एक तरह से उसको लैब भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है, जहां ब्लड टेस्ट होता हो, यूरिन टेस्ट होता हो, उसे हम पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी यानी ब्लड से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं सब पैथोलॉजी के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, जहां हर प्रकार के ब्लड को एक प्लेस पे स्टोर किया जाता है इन फ्यूचर। यानी फ्यूचर किसी पेशेंट के लिए जो ब्लड स्टोर किया जाता है उसे हम ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड बैंक में हर प्रकार के यानी जितनी भी ब्लड के ग्रुप्स होती हैं, हर ग्रुप के ब्लड आपको एक जगह स्टोर किए जाते हैं, उसे हम ब्लड बैंक कहते हैं। तो ये तो था कुछ कॉमन टर्म्स जो कि नॉर्मली हॉस्पिटल के अंदर यूज किए जाते हैं, और इनके बारे में जानना बहुत ही कंपलसरी है। ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि मेडिकल फील्ड के ही स्टूडेंट या फिर जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं वही जाने, एक आम आदमी के लिए भी ये जानना जरूरी होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।